ये नाव खे जा रही है, देखिए इस तरह से चलाई जाती है नाव। ये शानदार है ये नज़ारा। और हमारे साथ है ये घनसू हलवाई, इधर देखिए। और घनसू हलवाई आज हमें सिंघाड़े के बारे में बताएंगे कि सिंघाड़ा कैसा होता है, कैसे तोड़ा जाता है। और तमाम लोग इस समय देखिए ये सिंघाड़े का ही काम चल रहा है। ये हमारे मछुआ समाज में सिंघाड़ा लगाया जाता है और हम आपको आज पूरी प्रोसेस दिखाएंगे कि सिंघाड़े की देखिए। और ये सामने हमारे मौसियार है जी, चलो और आगे ले थोड़ी। और ये है पूरा खेत का खेत जो सिंघाड़े का, पूरा खेत है सिंघाड़े का। यहाँ इस समय होगा 20 फुट गहरा पानी है और इसे बरसात में लगाएगा, बरसात में इसे बरसात में लगाया जाता है। और देखिए ये सिंघाड़े का फूल है और ये सिंघाड़ा है। ये अभी कुछ सिंघाड़े नए नए आ रहे हैं, बच्चे हैं बच्चे, और ये सिंघाड़ा है। तो अब ये कच्चे हैं, इन्हें फिर उबाला जाएगा, फिर उसके बाद इनको काटा जाएगा। उसके काटने की प्रोसेस में अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी ये देखिए कितना, देखना भी काफ़ी सुंदर लगता है सिंघाड़ा, ये कितना अच्छा पेड़ है सिंघाड़े का। और ये सिंघाड़ा अभी कच्चा है, ये छोटे हैं। जब ये पूरा पक जाता है तो इसमें से ऊपर से ये उठ जाते हैं, इसमें से तब आप समझे, इसमें ऐसे नाखून नहीं जाएगा अंदर, तब आप समझ लेना कि यहाँ सिंघाड़ा पक चुका है। पक जाता है तो हाथ में पकड़ने से टूट जाता है। हाँ, इसकी यही प्रोसेस है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा सिंघाड़ा कैसा होता है। अब मैं इसे खाऊंगा क्योंकि ये कच्चा है, कच्चा खाने में बहुत मज़ा आता है, मीठा लगता है। हाँ, मीठा लगता है। तो देखिए कितना अच्छा सिंघाड़ा है, सफ़ेद निकलता है। देखिए हमारे रेकवा समाज में ये सबसे ज़्यादा खेती यही होती है, पूरी तालाब में, पूरे तालाब में आप जहाँ भी जाइए आपको ये खेती होती है, हमारी पैतृक खेती है। तो आप देखिए इसे कैसे उबाला जाता है और कैसे काटा जाता है। गांव के बड़े बाबू उर्फ रमेश, इन्हें बड़े बाबू के नाम से ही जानते हैं, लाए जाते हैं। और ये बल्लू है, बल्लू देखो। और ये सिंघाड़े तला से इस तरह से लाए जाते हैं, कितनी मेहनत होती है देखिए हमारे बल्लू भाई के लिए। और अब इन्हें उबाल के काटा जाएगा जो हमारे रमेश भैया दिखाएंगे। सिंघाड़े कैसे काटे जाते हैं ये लोग दिखा रही हैं, देखो ऐसे काटा जाता है सिंघाड़ा। कुछ आदमी गलत तरीके से सिंघाड़े काट लेते हैं और फिर हाथ काट लेते, कहते भाई हमने सिंघाड़ा काटा तो हाथ कट गया हमारा। लेकिन सही सिंघाड़ा जो काटने का तरीका है वो ये लोग बताएंगे। हाँ दिखाओ, दिखाओ दिखाओ, जो दिखाओ जो जो कहा है दिखाओ पहला वो। देखिए तो ये है सिंघाड़े, अगर काटना है तो पहले इस छुरे को पकड़ो, अब दिखाओ काट के दिखाओ। हाँ इसको काटने का सही तरीका है, इस छुरे को लिया जाता है उससे काटा जाता है, ना कि अन्य चीज़ों से। तो ये मेरे बड़े भैया हैं और ये आपको सिंघाड़े जो होते हैं उनको काटना बताएंगे कैसे काटा जाता है। क्यों पहले ऐसा लिया, इनो कर दो, फिर इस तरफ से काट दो, फिर इस तरफ से काट दो, ये लिया बीच से, ये निकाल दिया। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरह से सिंघाड़े का जो कटिंग की जाती है, सिंघाड़े को काटा जाता है। तो मेरे अभी बड़ी भैया ने आपको दिखा दिया है और आप भी इतने आराम से काटिए। और ध्यान रखिए कि बड़ों का होना ज़रूरी है, अगर आप बच्चे हैं कोई और अगर सिंघाड़ा काट रहे हैं तो उन्हें ऐसे काटा जाता है।